तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि दोस्तों अगर आपके भी पेटीएम पोस्टपेड में लिमिट मिला है एंड आप चाहते हैं दोस्तों वो जो लिमिट है आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाए, और आप चाहते हैं दोस्तों पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक ट्रांसफर करने के लिए, तो दोस्तों अभी आपने देखे होंगे जैसे कि ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है कि पेटीएम पोस्टपेड में आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम में ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है कि दोस्तों आप अपने पेटीएम पोस्टपेड टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। बट मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ एंड अगर आप वैसे फॉलो करते हैं, सबसे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिएगा, इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अगर आपका भी पेटीएम पोस्टपेड में ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि दोस्तों आप अपने पैसे को आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको दोस्तों इस वीडियो को आपको थोड़ी सी स्किप नहीं करना है। अगर आप दोस्तों स्किप करते हैं तो दोस्तों आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैं अपने इधर पेटीएम एप्लीकेशन को कर लिया ओपन, देन ओपन करने के बाद जैसे ही मैं इधर स्क्रॉल करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों आपको इधर ऑप्शन देखने को मिल जाता है पोस्टपेड लोन। सिंपल दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना है थोड़ा सा वेट। अब दोस्तों आप जैसे ही वेट करते हैं उसके बाद जो दोस्तों आपका लिमिट मिला होगा वो आपको दोस्तों ऊपर साइड में आपको शो करने को देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों रही बात की दोस्तों आपको इसे कैसे बैंक में लेना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मैं जैसे ही इधर बैंक आता हूँ, बैंक आने के बाद दोस्तों मैं इधर जैसे ही मैं इधर स्कैन वाला ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ एंड दोस्तों मैं इधर इस पर क्लिक करता हूँ जैसे कि स्कैन फ्रॉम गैलरी और व्हाट्सअप, देन इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ जैसे कि मैं इधर एक पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लिया हूँ तो मैं उस पर सिंपल से क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस पैसे को आप वैसे ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों आपको दोस्तों इधर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है कि दोस्तों आप इसे पैसे आप अपने बैंक में ले सकते हैं, यानी कि अभी आप देख सकते हैं दोस्तों आपको इधर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली अगर आप चाहते हो दोस्तों आपको इधर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिल जाए तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इधर से आ जाना है बैंक। बैंक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी आपको दोस्तों शॉप पे जाकर आपको दोस्तों उधर स्कैन करना है, यानी कि दोस्तों जो पेटीएम मर्चेंट का जो क्यूआर कोड रहता है यानी कि जो साउंड बॉक्स पे रहता है वो वाला, दोस्तों आपको उस पे जाकर आपको दोस्तों स्कैन करना होगा। जैसे कि मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ दोस्तों जो पेटीएम मर्चेंट अकाउंट का जो साउंड बॉक्स रहता है उस पर दोस्तों जो क्यूआर कोड लगा रहता है उसका दोस्तों अगर आप फोटो भी ले लेते हैं एंड दोस्तों अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपका क्लिक हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इधर एक स्क्रीनशॉट लिया हूँ सिंपल, मैं इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों आपको इधर पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि भी आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने लाइव इधर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड का। तो जैसे कि मैं इधर इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं इधर जैसे ही अमाउंट एंटर किया, अमाउंट एंटर करने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं दोस्तों आपको इधर पोस्टपेड लोड का ऑप्शन मिल जाता है। बट अगर मैं दोस्तों इस पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं दिस पेमेंट ऑप्शन इज अनअवेलेबल, प्लीज अर्ज अदर पेमेंट ऑप्शंस। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों ये जो पैसा है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो ये जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने के लिए, तो आपको दोस्तों क्या करना है, बस आपको वेट करना है। तो अगर आप चाहते हो दोस्तों इस पैसे को आप अपने बैंक में लेने के लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना है, बस आपको वेट करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे ही में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बल्कि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो सभी में क्रिएट हो रहा है, यानी कि दोस्तों जो जो इधर से पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर रखे हैं उनको दोस्तों ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं ये जो इरर है दोस्तों वो कब तक सही होगा, दोस्तों मैंने इसके रिलेटेड बात किया था कॉल पे, दोस्तों मैं पेटीएम पोस्टपेड के रिलेटेड यानी कि भी आप देख सकते हैं लोन फैसिलिटेटेड बाय आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, दोस्तों मैंने इसके रिलेटेड जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड के रिलेटेड मैंने कॉल पे बात किया, तो दोस्तों उधर ऐसा बोला जा रहा है कि ये आपको ये प्रॉब्लम में क्रिएट नहीं हो रहा है, बल्कि जितना भी कस्टमर है उनको ये एरर देखने को मिल रहा है, तो वो बोले कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है, बस आपको वेट करना है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो जल्दी फिक्स हो जाएगा। दोस्तों ये जो एरर है वो कल भी सही हो सकता है एंड दोस्तों ये भी हो सकता है कि आपको और वेट करना पड़ जाए। तो आपको दोस्तों क्या करना है, बस आपको वेट करना है। दोस्तों ये जो एरर है वो जल्दी सही हो जाएगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका एनी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उधर आपको रिप्लाई दे दूंगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं किसी से ही नेक्स्ट वीडियो में।